कैंसिल हो जाएगा। यस, क्लास फर्स्ट चैप्टर फाइव क्वेश्चन आंसर। पहली शब्दार्थ, शब्दार्थ गढ़ना मीन्स बनाना, गढ़ना मीन्स बनाना। चिट्ठी, चिट्ठी मीन्स पत्र, चिट्ठी मीन्स पत्र। मजा, मजा मीन्स आनंद, मजा, मजा मीन्स आनंद। खुद, खुद स्वयं अपने लिए, खुद का मीन्स स्वयं यानी अपने लिए। निराले, निराले मीन्स अनोखे, अनोखे, निराले मीन्स अनोखे। उलझन, उलझन मीन्स भ्रम, उलझन मीन्स भ्रम, उलझन मीन्स भ्रम। कठिन, कठिन मीन्स मुश्किल, कठिन मीन्स मुश्किल। आओ अभ्यास करें। क्वेश्चन आंसर, उत्तर बताओ मौखिक। लड़की इतनी खुश क्यों है, लड़की इतनी खुश क्यों है? अभी आपने चैप्टर में पढ़ा था लड़की इतनी खुश क्यों है, क्योंकि लड़की को पढ़ना आ गया, लड़की को पढ़ना आ गया इसलिए वह इतनी खुश है। खै, लड़की अब खुद ही क्या गढ़ सकती है, लड़की अब खुद ही अक्षर गढ़ सकती है यानी अक्षर बना सकते। गढ़ना मीन्स बनाना, अब लड़की खुद ही अक्षर बना सकती है या गढ़ सकती है। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ, जो इसमें सही है उस पर सही का टिक करना है। लड़की ने सीखा है, लड़की ने क्या सीखा, खेलना है पढ़ना, लड़की ने पढ़ना सीखा तो किस पर टिक करना है, पढ़ना। खै, पढ़ना सीखने के बाद लड़की को आता है मजा या गुस्सा, क्या आता है पढ़ना सीखने के बाद लड़की को, क्या आता था, लड़की को मजा आता है, किस पर टिक करना है, मजा। अक्षरों पर मात्राएं लगती है, ऊपर नीचे आगे पीछे है केवल पीछे ही। मात्राएं अक्षरों पर कहाँ लगती हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे लगती है ना, तो सही आंसर ऊपर नीचे आगे पीछे। लड़की अब क्या लिख सकती है, लड़की अब पुस्तक लिख सकती है, चिट्ठी लिख सकती, अब लड़की अब चिट्ठी लिख सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, सही वाक्य के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाओ। पढ़ना लिखना कह, पढ़ना लिखना सीखना सभी के लिए आवश्यक है, सही, सभी के लिए पढ़ना लिखना बहुत ही आवश्यक है, क्या है सही आंसर। विद्यालय में हमें पढ़ना लिखना सीखते हैं, यस, विद्यालय में हम पढ़ना लिखना ही सीखते हैं, सही आंसर। पढ़ना लिखना सीखने से हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं, यस, सही, हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं, बहुत कुछ आ जाता है पढ़ने से। है, पढ़ना लिखना सीखा नहीं जा सकता, रोंग, पढ़ना लिखना कोई सी भी उम्र में सीखा जा सकता है इसलिए ये रोंग है। ऊंची शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो, बेटा कोष्टक में दो शब्द दिए हैं, इनको पढ़ के फिर इन द ब्लैंक्स में क्या आएंगे, ऊंची शब्द हमें भरना। मैंने सीखा लड़ना या पढ़ना, मैंने सीखा पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना देखो, खुद ही अक्षर गढ़ना देखो। खै, पर नहीं कठिन या आसान, पर नहीं कठिन, कठिन, पर नहीं कठिन है उन्हें समझना, मैंने सीख लिया अब पढ़ना। क्वेश्चन फोर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। लड़की क्या क्या पढ़ सकती है, लड़की अब किस्से, कहानी, कविता, सभी कुछ पढ़ सकती है। लड़की अब क्या भूल गई है, लड़की अब लड़ना भूल गई है, लड़की क्या भूल गई, लड़की अब लड़ना भूल गई है। गए, किस खेल को लड़की ने निराला कहा है, मात्राओं के खेल को लड़की ने निराला कहा है, मात्राओं के खेल को लड़की ने निराला कहा है। क्या अब आपको भी पढ़ना आ चुका, हाँ अब हमें भी पढ़ना आ चुका। भाषा बोध, एक से अनेक बनाओ। बच्चन, किताब, एक किताब, जब एक किताब होती है तो एक बोलते हैं, जब बहुत सारी किताब होगी तो उनको क्या स्पीक करेंगे, किताबें। इसी तरह सारे खिलौना, एक खिलौना को खिलौना बोलेंगे, जब आपके पास बहुत सारे खिलौने होंगे तब आप क्या बोलेंगे,
मेरे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं, तो खिलौनों का खिलौने, मात्रा मात्राएं, केला एक केले को केला, और बहुत सारे केले होंगे जब केले, केला केल, केला केले, किस्सा किस्से, कविता कविताएं, दिस टाइप, इसी तरह से इनको बनाना है, सही मिलान करो। अब आप मैच देखेंगे किससे किसका मैच हो रहा है। मम्मी को क्या बोलते हैं, माँ को मम्मी, माँ को मम्मी। प्यार, प्यार को किससे मिलाएंगे, दुलार, प्यार दुलार। लड़ाई, लड़ाई को और क्या बोलते हैं, झगड़ा, लड़ाई को और क्या बोलते हैं, झगड़ा, लड़ाई को किससे मिलाएंगे, झगड़ा। खुशी, खुशी को किससे मिलाएंगे, प्रसन्नता, खुशी मीन्स प्रसन्नता, प्रसन्न भी खुशी होती है, खुशी भी खुशी। अपना खुद का, अपना, अपना को किससे मिलाएंगे, खुद का, कि मेरा है या अपना है या खुद का, तो एक ही चीज़ हो गई ना। रचनात्मक गतिविधियाँ, ये बेटा आपको करना है, आपके घर में कौन कौन है कौन नहीं है, उनके नेम राइट करने हैं, जैसे मम्मी है, पापा हैं, दादा हैं, दादी है, भैया है, दीदी, चाचा या चाची, जो भी हैं लिखना है आपको, और इस कविता को और याद करके सुनाना है इस कविता को। ओके, थैंक यू।